नमस्कार, लोकवाणी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए सबसे पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले दिन कईयों ने नामांकन पत्र लिया, एक ने दाखिल किया नामांकन। गोलमुरी थाना अंतर्गत केबुल टाउन के नामदा बस्ती जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया अतिक्रम हटाओ अभियान। झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर चली गोली चालन के मामले को लेकर सिखों के प्रतिनिधि मंडल ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मिले जिले के एसएसपी से। और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने क्षेत्र का किया दौरा, कहा निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। और अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन कई निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन पत्र लिया और ईवेल दाखिल किया और इसके लिए कई प्रतिष्ठित पार्टियों के लोगों ने भी नामांकन पत्र लिया। वैसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद मुबीन खान ने पहला पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें कि मुबीन खान पिछले 12 वर्षों से लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वैसे ये अलग बात है कि अब तक उन्हें किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिली, लेकिन मुबीन खान ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और साथ ही वो बताते कि वे रोटी के सवाल पर चुनाव लड़ते हैं। इससे पूर्व वे 7 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2000 के बाद से निरंतर चुनाव लड़ रहा हूँ, मतलब 7वीं बार विधानसभा, इससे पहले 5 बार लोकसभा का भी, पिछला चुनाव भी लोकसभा का मिला था। मेरी सोच जो है गरीबों और मजदूरों की लड़ाई है, और कोई नहीं है, ना मेरा कोई जातिवाद की लड़ाई है, ना कोई वो है। मैं लड़ाई है गरीबों, क्योंकि आज के युग में सबसे बड़ी दिक्कत गरीबों की है और लड़ाई रोटी की है। मैडम, हम लड़ाई रोटी की लड़ते हैं, हम कोई जाति पात की लड़ाई नहीं लड़ते। और यहाँ जो सबसे बड़ा अपराधी है इस शहर का, वो है टाटा कंपनी, जो गरीबों को दबाता कुचलता है और उनको प्रशासन भी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि प्रशासन अगर मदद करता है तो उन अधिकारियों को यहाँ से हटा दिया जाता है। जमशेदपुर पश्चिम से फार्म भर रहे हैं और हो सकता है कि मैं 2-4 दिन के अंदर जमशेदपुर पूरब से भी नॉमिनेशन कर सकता हूँ। मैं निर्दलीय, मैं पार्टी पौवा, क्योंकि सारे राजनीतिक दल दलदल हो चुके हैं। वहीं जमशेदपुर पूर्वी से भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कुंज बिहार के द्वारा नामांकन पत्र लिया गया। वैसे यह शख्स कांटा समाज से ताल्लुकात रखते हैं और समाज के लोगों के समर्थन के साथ ही चुनावी मैदान में उतरने की बातें कर रहे हैं। 48 जमशेदपुर पूर्व से मैं कुंज बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम गंडा समाज के सहयोग से आज हम नॉमिनेशन पेपर लिए और हम 15 नवंबर को हम पूरे दल बल के साथ नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिसमें सभी 48 के जनता से अपील करना चाहूँगा और गंडा समाज के सभी माताएं बहनों भाइयों बुद्धिजीवियों से मेरा अपील होगा कि काफ़ी से कम संख्या में उपस्थित होकर के 15 नवंबर को नॉमिनेशन का जो कार्यक्रम है उसे सफल बनाएं। वही कांग्रेसी नेता सह पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई के द्वारा भी उनके लिए नामांकन लिया गया। वैसे आचार की बात यह है कि बन्ना गुप्ता कांग्रेस के टिकट पर जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी तक आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। जमशेदपुर पश्चिम बन्ना गुप्ता के लिए फॉर्म लेने आए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर। पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है। इधर मजदूरों के शहर जमशेदपुर में जिला प्रशासन एक और काम में जुटी हुई है। वह काम है गरीबों के आशियाने को जाने का। ताजा मामला गोलमुरी थाना अंतर्गत केबुल टाउन के समीप नामदा बस्ती का है, जहां जिला प्रशासन ने जबरन बरसों से रह रहे एक परिवार के आशियाना को उजाड़ दिया। इनके पास सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी सुविधाएं, मसलन आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड वगैरह मौजूद है।
इधर मकान की मकान मालिक छोटे छोटे बच्चे और बेटियों के परवरिश की दुहाई देती रही, लेकिन तानाशाह जिला प्रशासन उनकी एक ना सुनी। देखते ही देखते बरसों से बने आशियाना को उजाड़ दिया। वहीं सरकार जिन गरीबों के नाम पर राजनीति करते हुए गरीबों की सरकार होने का दम भरती है, वह सरकार की झारखंड के मुख्यमंत्री खुद को मजदूर का बेटा बताते हैं। जरा इस मजदूर लाचार अविवश महिला के फरियाद को भी सुन लीजिए, जो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में अपने आशियाना को बचाने की गुहार लगाती नजर आ रही थी। कल कुछ हम करेंगे, हम अभी बहुत दिन कल हम हॉस्पिटल में रहने, शाम को हम बाल बच्चा है ठीक है, बाल बच्चा हम 25-30 साल से यहाँ पर हम बैठे हैं, तो एक दो साल से वो लोग घेर के हमारा को परेशान कर रहा है, लेकिन इसका टूटेगा तब हमारा सिंह जी के सिंह जी कि ये हटेगा तो हम भी हटेंगे, ये हटेगा ये लोग दो चार साल से है, हमारे का समाज भी थोड़ा बैठाया है, सुन सुन यहाँ तक जंगल झाड़ी लगा रहा तब तक हम साफ सुथरा कर, अब हमारे 5 बाल बच्चा है हम कहाँ लेके जाए। पदाधिकारी के आदेशानुसार बजरंग नगर सामुदायिक भवन के आसपास के जो खट्टा अतिक्रमण को हटाया गया शांतिपूर्ण ढंग से। झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर बीते दिनों जानलेवा हमला के विरोध में सिखों के एक प्रतिनिधि मंडल आज जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही कहा कि उनके ऊपर हुए हमला के घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक अपराधी नहीं आए, जिससे जल्द से जल्द पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। वहीं सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि गुरुचरण सिंह बिल्ला का अगर किसी के साथ निजी दुश्मनी थी तो पुलिस उसका भी खुलासा करे। झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के जो अध्यक्ष थे गुरुचरण सिंह बिल्ला जी, उनके ऊपर 3 दिन पहले गोली चली है और इस गोली चलाने वाले को हम लोग चाह रहे कि गिरफ्तारी हो। अभी तक कोई अच्छा कदम प्रशासन के तरफ से नहीं किया गया है। हम लोगों में रोष है कि एक समाज के माननीय व्यक्ति के ऊपर में गोली चली है, आगे से इस प्रकार की घटना ना घटे इसके लिए हम लोग SSP से मिलने के लिए आ जाए हैं। हम लोगों को वैसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उनकी कोई जाति दुश्मनी भी अगर किसी से थी तो उसका भी खुलासा होना चाहिए। पुलिस से हम लोग मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उसका खुलासा हो और जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बाहुबली विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए क्षेत्र में प्रचार प्रसार तेज से कर दिया है। जहां लगातार पूर्व विधायक क्षेत्र के लोगों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आ रहे थे, आज भी पूर्व विधायक ने कुमरू प्रखंड क्षेत्र के उड़िया दुलमी सहित कई गाँव का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। वहीं इन्होंने बीते 5 सालों में क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा दिए जाने की बातें भी कही। इन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें फिर से मौका देती है तो क्षेत्र के किसानों और बेरोजगारों के लिए उनके पास खास एजेंडा है, जिस पर वे अमल करते हुए क्षेत्र की जनता की सेवा में लगे रहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व बाहुबली विधायक का पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के कदावर नेता साधुचरण महतो के साथ सीधा टकराव हुआ था और बेहद ही मामूली अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था। उस समय अरविंद सिंह ने JVM के टिकट से चुनाव लड़ा था, वैसे इस बार पूर्व विधायक पूरी तैयारी के साथ चुनावी रण में उतर रहे हैं। हालांकि यहां से कई और दावेदार हैं जो लगातार क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र से पूर्व डिप्टी CM सुधीर महतो की पत्नी
झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री सविता महतो भी ताल ठोकती नजर आ रही थी। ऐसे में क्षेत्र के मतदाताओं का रुझान किस ओर होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। जबकि बीते 6 महीने से क्षेत्र में समाज सेवा से राजनीति में कदम रखने वाले हरेलाल महतो भी काफी सक्रिय है। कुल मिलाकर यहाँ हार जीत का फैसला काफी कम अंतर में होने की संभावना है। घूम रहे हैं, पंचायत वाइज घूम रहे हैं, सारे लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। कल से ही कर रहे हैं, कल उधर से पार्टी साइड में थे, शाम के रघुनाथपुर सब किए, कार्यकर्ता सम्मेलन था वो सब किए निर्दलीय। एम्प्लॉयमेंट देना पहली प्राथमिकता रहेगी, दूसरा प्राथमिकता है इरीगेशन, तीसरा इस इलाके में कोल्ड स्टोरेज, चौथा हर एक ब्लॉक में चारों ब्लॉक में पार्क एक प्रायोरिटी रहेगी। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपायुक्त कार्यालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया है, साथ ही विशेष पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने साफ कर दिया है कि प्रत्याशी के साथ मात्र 5 लोग ही अंदर प्रवेश कर पाएंगे। इधर 5 से ज्यादा आने वाले पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होगा। हालांकि पहले दिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई ने बन्ना गुप्ता के लिए नामांकन पत्र खरीदा। इधर जमशेदपुर पश्चिमी से निर्दलीय प्रत्याशी मोबिल खान ने अपना पर्चा दाखिल किया। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ 3 लेयर में है। एक फर्स्ट लेयर जो है गेट पर जो है, सेकेंड लेयर ग्रिल के पास में है, थर्ड लेयर जो है वहाँ जैसे ही जैसे 46 या 49 का है तो एक उसके लिए अलग अलग जैसे गेट है ग्रिल है वहाँ पर है, और फोर्थ भी कहा जाएगा तो फोर्थ जैसे आर ओ के ऑफिस के सामने मिले। कहें कि फिर किए हैं कि सब लोग मैंने बढ़िया से पोलाइटली विनम्रता का कोई दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है, विकल्प नहीं है, विनम्रता के साथ बात करनी है, बट अपने ड्यूटी में फर्म रहना है। जो है सो वोलेटाइल जो भी सामान है उसको चेक करना है, जो डेंजरस है वोलेटाइल है उसको हाँ लगाया डीएफटी लगाया गया। गाड़ाबासा कम्युनिटी सेंटर में छत्तीसगढ़ी समाज टुंगला डुंगरी जमशेदपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ी मंडई महोत्सव मनाई गई। गाड़ाबासा कम्युनिटी सेंटर में छत्तीसगढ़ी समाज टुंगला डुंगरी जमशेदपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ी मड़ई महोत्सव मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत शीतला माता मंदिर टुंगला डुंगरी से छत्तीसगढ़ी समाज का मड़ई शोभा यात्रा गाड़ाबासा होते हुए सीपी समिति मिडिल स्कूल से सीधे गाड़ाबासा कम्युनिटी सेंटर में पहुंची, जहां जुलूस में सभी छत्तीसगढ़ी समाज के गणमान्य व्यक्ति के लोग दुहा पढ़कर रास्ते पर झूमते हुए यात्रा के साथ चलते रहे। Thank you.
अक्टूबर में ना धान उन काटने के बाद में काम खत्म हो जाने के बाद में आप लोग दिवाली एक साथ पूरे बस्ती के साथ में और पूरे बस्ती में मड़ई मेला के नाम से बैरंग और मड़ई बना के हम लोग पूरे गोलमुरी क्षेत्र में घुमा के यहाँ से मैंने श्री श्री शीतला मंदिर से निकालते हुए सीपी कबीर क्लब होते हुए और सीपी समिति मिडिल स्कूल के पास से हम लोग पूरा गढ़ा भाषा का भ्रमण करते हुए कम्युनिटी सेंटर टूला डोंगरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें छत्तीसगढ़ी बच्चों लोगों ने अपने परिधान में वेशभूषा में इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ा रहा है और महिला द्वारा सुवर न्यूज का आयोजन किया गया है। उसके उपरांत में हमारे समाज के वरिष्ठ अतिथि लोगों का स्वागत सम्मान के साथ और मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम सोनू दिनेश कुमार के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें राउत नाच और होली गौरा गौरी अनेक प्रकार के कार्यक्रम साथ में होना है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार जी और उसके आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री रघुवर दास के धर्मपत्नी रुक्मणी देवी जी आज मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं, वो भी शिरकत कर रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानी सह शिक्षाविद मौलाना अब्दुल कलाम के जन्म तिथि पर पूरे देश भर में शिक्षा दिवस मनाया गया। जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों पर इस मौके पर उनकी जयंती मनाई गई। वहीं कई कॉलेजों में इस मौके पर डिबेट का भी आयोजन किया गया था। ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं के द्वारा भी इस मौके पर मौलाना को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इस दौरान पूरे व पुराने नए शिक्षा पद्धति पर डिबेट का आयोजन किया गया था जिसमें छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कॉलेज के शिक्षकों के अनुसार बदलते जमाने के साथ ही चलने के लिए शिक्षा के स्तर और पद्धति में भी बदलाव काफी जरूरी है। इन्होंने कहा कि पुराने शिक्षा के पद्धति में देश भर में कई दायरे व बंधन थे जिस कारण से देश में शिक्षा का स्तर काफी कम था, लेकिन अब नई शिक्षा पद्धति के आने से अधिक लोग शिक्षित हो रहे हैं और खुद को विस्थापित करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि नई शिक्षा के साथ हमें अपने संस्कारों को भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, मतलब चल सके और साथ ही साथ जो उस समय के जो बच्चे होते थे वो पूरी तरह से अपने माता पिता के आत्मविश्वास के साथ सभी परिस्थिति का सामना करने को प्रस्तुत रहते थे। दिन एजुकेशन डे है जैसे, तो बीएड डिपार्टमेंट इसकी सेलिब्रेशंस कर रहा है। तो मतलब आज के ज़माने में वी हैव टू मूव विद द टाइम्स। पुराने ज़माने में जिस तरह की सिचुएशन थी उस समय ट्रेडिशनल एजुकेशन ठीक थी, पर हाँ आज के ज़माने में जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके अनुसार जो साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियलाइजेशन मशीनिंग हो रही है, सर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस इतने वास्ट हो रहे हैं, ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, उसमें अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन में ही रहें तो हम भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। हाँ ज़रूर मॉडर्न एजुकेशन में भी वी हैव टू सी टू इट दैट आवर स्टूडेंट्स आर गिवन मॉरल एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में है, उनका आज बर्थडे है तो उसके सिलसिले में आज एजुकेशन डे सेलिब्रेट हो रहा है कि आज की जो चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबली ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं उसमें अगर हमें अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाना है तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम जैसे हो रहा है आई थिंक इट इज़ वेल एंड गुड। अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन पर ही बैठे रहेंगे तो वी कैन नॉट कम अप इन लाइफ। और इधर हम आपको बता दें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरेंगे धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ बम्बोला सिंह जो 16 नवंबर को नॉमिनेशन करेंगे, जिनका चुनाव मैदान में मुद्दा होगा 86 बस्ती और गंदी राजनीति को जनता के सामने लाना पहला लक्ष्य है। यह है धर्मेंद्र सिंह उर्फ बम्बोले सिंह से पार्टी पॉलिटिक्स से राजनीति दल के नेता या विधायक नहीं बल्कि उनकी सोच है गंदी राजनीति को जनता के समक्ष पेश करना और साफ सुथरी राजनीति लोगों को बतलाना। धर्मेंद्र सिंह ने 16 नवंबर को जमशेदपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अपना नॉमिनेशन करेंगे और लड़ेंगे आसन विधानसभा का चुनाव, वह भी वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ उनकी चुनावी मुद्दा है। चुनाव से पूर्व
जिस प्रकार से शहर में 86 बस्ती बसा है उसके बाद 86 बस्तियों के लिए सरकार की द्वारा उजाड़ दिया गया है। इसके विरोध में इन्होंने अपना सीधा टक्कर मुख्यमंत्री से बताया है और इनका एक मुद्दा और भी है कि जो राजनीति करते हैं और जनता को बहला फुसला कर उनका वोट लेकर जनता को ठगने का काम करते हैं, उनको भी इस राजनीति का सबक सिखाना है और शहर में जो भी बस्ती बसी है उन्हें उजाड़ने नहीं देना है, इनका पहला प्राथमिकता है। पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़ने हैं तो किए हुए हैं और चुनाव हम माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़ेंगे और मुद्दाएं तो इस चुनाव के लिए बहुत है, अनेकों है, बस कुछ चंद मुद्दे हैं जो कि बहुत प्राथमिकता रखती है। सर्वप्रथम तो 86 बस्ती ही नहीं और भी सारी बस्तियों में जो बस गया उसको कम से कम ना उजाड़ा जाए, ना हम उजड़ने देंगे अपने माने कुशल अवस्था आता है तो। और दूसरी मुद्दा है कि गंदी हो चुकी राजनीति और लचर व्यवस्था को सारे जनता के बीच में चरितार्थ करना, ये मेरा प्राथमिकता है। और कुछ राजनीतिक व्यक्ति और कुछ पुलिस प्रशासन के व्यक्ति इतने विभत्स काम किए हुए हैं कि जिसको एकदम जनता के सामने लाना एकदम उचित हम समझते हैं। और एक मुद्दा हम लेके चल रहे हैं कि अपने देश का नाम हमको भारत और हिंदुस्तानी सुनना अच्छा लगता है, ना कि और कुछ, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो चाहे हिंदी में लिखा हो। और इसको हम सबसे प्राथमिकता से फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी उठाएंगे और ऐसा करेंगे कि अपना देश के सारा नागरिक सोचे कि हमारे देश का नाम यही हो। अपने जनता के बीच में देखिए, हम सामाजिक सेवा के तहत इन गरीबों को शादी ब्याह में मदद करते हैं, क्या बोलता है कि क्वार्टर से लेकर हो, मैंने धन धान से हो चाहे वस्तु से हो, एक शरबत पिलाने का आयोजन चालू किए, मंदिर बना, 32 साल काली पूजा किए, 3-3 बार 5-5 साल के अंतर्गत 3-3 बार श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किए। जनता के लिए सबसे बड़ी लड़ाई ये मजदूर फील्ड है, मजदूर फील्ड में सबसे बड़ी लड़ाई हम टेलकोर वर्कर्स यूनियन में लड़े 2017 में, जो कि मेरा चरचेरा भाई गुजरा हुआ था। उस लड़ाई को देख के और मेरे बाकी इस चरितार्थ को देख के आदमी समझ जाएगा कि मेरा भाव क्या है, मेरा करनी क्या है, मेरा रहनी क्या है। और भी लोग पता करें मेरे विषय में कि क्या क्या हमने अच्छा काम किया। अभी कम समय में बताने अगर का, अगर कि निर्दलीय अपने में रहे, अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो लोभ में समावेश होता है, नहीं सपोर्ट करते हैं तो किसी भी बात को पटल में रखने लायक हम एकदम फ्री रहते हैं। किसी को सपोर्ट करना मतलब कि उनके अध्यक्ष का सुनिए, उनके पार्टी के उच्च अधिकारी का सुनिए, अपनी बातों को रख नहीं पाएगा। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा कि हम किसी को मदद करने के सोच के हमने चुनाव लड़ा है। आप मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने को कहां? मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बहुत सारा गलत काम हुआ, खासकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको जनता के सामने लाना एकदम उजागर है। जिसके लिए कि अभी हमने जिसके लिए पिछले 16 तारीख को हमने एक आवेदन दिया है माननीय राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्य सचिव को, माननीय परिवहन सचिव को, अभी तक को उसका कोई जवाब नहीं मिला। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के जमशेदपुर आगमन और यहां एयरपोर्ट पर चॉपर में खराबी आने के बाद टाटा स्टील के निजी हेलीकॉप्टर से रांची जाने का मामला तुल पकड़ने लगा है। कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करने साथ ही आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पर लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि वे मुख्यमंत्री के खर्चे में टाटा स्टील के द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टर में आने वाले खर्च को जोड़ा जाए। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा टाटा स्टील का निजी विमान लेने से पहले आयोग से परमिशन ली गई थी या नहीं, इसकी भी जांच किए जाने से इन्होंने कहा है। और साथ ही इसके अलावा कांग्रेसी नेता ने आनंद फारन में कई योजनाओं के शिलान्यास को भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आयोग से उनकी समीक्षा कर मामला दिए जाने की मांग भी की है। अभी विगत दिनों हमने कंप्लेन किया था चुनाव आयोग को, किस तरीके से मजाक उड़ाया गया चुनाव आचार संहिता का एक रिको मैदान में। अभी परसों की एक घटना है कि सरकारी हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर काम नहीं करता है तो टाटा कंपनी उनको अपना खाता प्लेन उपलब्ध कराएगी, उस प्लेन से यहाँ से जाते हैं। तो नियमता उनको इसकी परमिशन लेनी चाहिए थी इनसे। हम लोग पूछने आए हैं कि क्या आपसे परमिशन लिया गया? जो खर्च था उस हेलीकॉप्टर का, जो किराया उस विमान का जो किराया होना चाहिए था, जो टाटा स्टील ने उपलब्ध कराया, क्या टाटा स्टील ने उनसे लिया,
और यदि नहीं लिया तो क्या यह भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आता, और यदि लिया तो पैसा कितना था इसकी सूचना जिला प्रशासन को और चुनाव आयोग को दी गई, और उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी के चुनावी खर्च में क्यों नहीं डाला जाए। अब तो कैंडिडेट भी घोषित हो चुके हैं पार्टी के, तो उनके चुनावी खर्चे में भी डाला जाना चाहिए। जमशेदपुर के करंडी जसपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आदिवासी यूथ क्लब की ओर से दिशोम सुहाय पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। साथ ही साथ मिस और मिस्टर आदिवासी 2024 का कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें टेलको के रहने वाले तनु हांसदा मिस आदिवासी चुनी गई, जिसमें घोड़ा बांधा क्षेत्र के रहने वाले युवक श्री मुरमुर मिस्टर आदिवासी चुने गए। वही संबंध में कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं ने बताया कि सुहाय पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि गाय और बैलों से हम लोग खेती के समय बहुत काम लेते हैं और खेतों की पैदावार अच्छी होती है, इसलिए प्रत्येक साल हम लोग दिशोम सुहाय पर्व मनाते हैं। साथ ही साथ एक मिस और मिस्टर आदिवासी कॉन्टेस्ट भी करवाते हैं। वह दिशोम सुहाय पर्व ने मिस और मिस्टर आदिवासी कॉन्टेस्ट में चुने गए प्रतिभागियों ने बताया कि हम लोगों को काफी अच्छा लग रहा है, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज आदिवासी कॉन्टेस्ट में हम सबों के बीच में पहुंच चुके हैं। इस जिला परिषद क्षेत्र के जिला परिषद महोदय माननीय एक मिनट रुकिएगा। क्या कहोगे आज? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कंपटीशन में जितना भी हमारे लड़के लड़कियाँ हैं सब इस तरह का कंपटीशन में आगे आए और अपने इसमें अच्छे से परफॉर्मेंस योगदान दें। कैसे मनाते हैं आप लोग? किसका चयन हुआ है? कौन? अजमेर से मिस रोहर का
आपका घोड़ा बंदा से आया हुआ हमारा सीरू मुर्मू जी, उनको मिस्टर आदिवासी का खिताब दिया गया है और हमारे टेल्को के मिस आदिवासी में तनु हंसदा को खिताब दिया जा रहा है, वो आज का मिस आदिवासी 2019 मनाया जा रहा है। और अब चले इस पर नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले दिन कईयों ने नामांकन पत्र लिया, एक ने दाखिल किया नामांकन। गोलमुरी थाना अंतर्गत केबुल टाउन के नामदा बस्ती जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर चली गोली चालन के मामले को लेकर सिखों के प्रतिनिधि मंडल ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मिले जिले के एसएसपी से। और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ बलखान सिंह ने क्षेत्र का किया दौरा, कहा निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।